अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं जी कोरिलेशन की। कोरिलेशन क्या होता है? डिग्री ऑफ कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स जो चेंज हो रहे होते हैं तो वो किस हद तक उनमें चेंज आ रहा है एक दूसरे के साथ, उसको हम कहते हैं कोरिलेशन। वो कोरिलेट कर रहे होते हैं। अगर एक्स चेंज हो रहा है तो वाई भी साथ साथ चेंज हो रहा हो, तो उनके दरमियान में कोरिलेशन होता है। अब वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे हैं एक दूसरे के साथ वो अलग बात है, लेकिन चेंज जरूर हो रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक्स इंक्रीज हुआ है तो वाई या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। अच्छा जी, और जो ये चेंज होता है वो साइमल्टेनियस होता है, मतलब साथ साथ। अगर एक्स चेंज हुआ है थोड़ा सा तो फिर भी साथ ही थोड़ा सा चेंज होगा, तो इस तरह मतलब ये साइमल्टेनियस साथ साथ चेंज चल रहा होता है, ठीक हो गया। तो ये डिग्री ऑफ, इसको हम कोरिलेशन भी कहते हैं, डिग्री ऑफ कोवेरियंस भी कहते हैं, डिग्री ऑफ कोवेरिएबिलिटी भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि हमें ये तो पता चल रहा है कि एक दूसरे के साथ कोरिलेट कर रहे हैं, अगर एक चेंज हो रहा है दूसरा भी हो रहा है, लेकिन ये हमें ये नहीं बताता है कि कौन सा वेरिएबल कॉज है और कौन सा वेरिएबल अफेक्ट है, ठीक है। कि एक्स के चेंज होने से वाई चेंज हो रहा है या वाई के चेंज होने से एक्स चेंज हो रहा है, मतलब चेंज साथ साथ हो रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि कौन कॉज है और कौन इफेक्ट है, ये कोरिलेशन हमें नहीं बताता। जब आप कॉज और इफेक्ट जानना चाहें तो उसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। कॉज और इफेक्ट वाली जो चीज़ होती है वो हमें कोरिलेशन नहीं बताता, ठीक हो गया। दूसरी बात आती है कि कोरिलेशन में जो वैल्यूज़ होती हैं वो मैटर करती हैं, साइंस मैटर नहीं करते। अगर आप ये जानना चाहें कि पॉजिटिव कोरिलेशन कौन सा स्ट्रांग है, ठीक है, -0.7 कोरिलेशन हो। कोरिलेशन की रेंज क्या होती है? 0 से लेकर -1 से लेकर +1 तक, ठीक है। तो अगर -0.7 है और +0.58 है, तो इसमें आप देखें कि कौन सा ज़्यादा स्ट्रांग है, तो ये -0.7 होगा, ठीक है। नॉर्मली हम कहते हैं कि नंबर लाइन में जो डिजिट्स नेगेटिव में होते हैं वो कम होते हैं, ठीक है, और जो पॉजिटिव वाले होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। लेकिन कोरिलेशन में इस तरह होता है कि जो नेगेटिव वाली वैल्यूज़ है आप उनको भी देखेंगे कि जो बड़ी है वही स्ट्रांग होगी। अब ये -0.7 और +0.58, तो इसमें -0.7 ही स्ट्रांग है क्योंकि ये वैल्यूज़ ज़्यादा है। ये जो साइंस माइनस वाले हैं ये चीज़ इंडिकेट नहीं कर रहे कि कौन हाई है कौन लो, ये सिर्फ बता रहे हैं कि कोरिलेशन की डायरेक्शन क्या है, ठीक हो गया। तो ये -0.7 जो है ये ज़्यादा स्ट्रांग कोरिलेशन है अदर देन +0.57, ठीक है, +0.58, ठीक हो गया। अच्छा जी, एक MCQ यहाँ पर हमारे पास आता है कि वो कौन सी रिसर्च होती है जिसके अंदर हम हाइपोथेसिस नहीं बनाते। नॉर्मली हम हर रिसर्च जब करते हैं तो उससे पहले हाइपोथेसिस बनाते हैं, उस पर स्टैटिस्टिक करते हैं, फिर उसके ऊपर सारे डिस्कशंस वगैरह करते हैं। तो लेकिन ऐसी एक रिसर्च होती है जिसको हम कहते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, जिसमें हम क्या करते हैं, फिनोमेना को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, ठीक है, उसके बारे में जानना चाह रहे होते हैं कि फिनोमेना है क्या। उसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई हाइपोथेसिस नहीं बनाते, ठीक हो गया। उसके बाद जो ये कोरिलेशन होता है इसमें हमेशा लीनियर रिलेशनशिप के साथ डिस्कशन होती है। लीनियर रिलेशनशिप क्या होता है कि जो एक लाइन में होता है, ठीक है, या तो वो लाइन ऐसे होती है या वो लाइन इस तरह से होती है, लेकिन लीनियर होता है, ठीक है। नॉन लीनियर रिलेशनशिप के साथ कोरिलेशन डील नहीं करना चाहिए, ठीक है, मतलब हमें लीनियर रिलेशनशिप चाहिए। नॉन लीनियर क्या होगा कि कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, कभी ये बढ़ रहा है कभी वो कम हो रहा है, तो वो एक नॉन लीनियर रिलेशनशिप है। हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे लीनियर रिलेशनशिप के दोनों एक लाइन में चेंज हो रहे हो। लीनियर रिलेशनशिप कैसे पता चलता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, स्कैटर प्लॉट बनाते हैं। स्कैटर प्लॉट का क्या मतलब होता है कि आप एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास एक्स की वैल्यू, ये हमारे पास वाई की वैल्यू। एक्स हमारा 10 है, ठीक है, यहाँ पर आप 5, 10 जिस तरह ये हमारे पास वैल्यूज गिवन है, ठीक है, ये आपने लिख ली। अब एक्स जब 10 होगा, सपोज यहाँ पर एक्स 10 है, एक्स 10 होगा तो वाई की वैल्यू 2 है, ठीक है, ये वाई 2 है, तो हम यहाँ पर एक डॉट ड्रा करेंगे, ठीक है, एक डॉट लगा दिया हमने। फिर इसी तरह 12 है, एक्स जो है वो 12 है और वाई हमारे पास 4 है, इस तरह हमने ये 4 डॉट्स लगा दिए। जब आपने सिर्फ डॉट्स लगाए हों, अभी आपने उनको ज्वाइन ना किया हो, फॉर एग्जांपल यही 4 डॉट्स जो हमने लगाए हैं ये हमने लगा लिए इस तरह से, ठीक है, वैल्यूज़ देख देख के, कि जब एक्स 10 है और वाई 2 है, तो एक्स 10 है और वाई 2, तो ये हमारा पहला पॉइंट आ गया। एक्स 12 है और वाई 4 है, एक्स 12 हो यहाँ पर ऑलमोस्ट एक्स 12 आएगा, ठीक है, और वाई यहाँ पर एक्स 12 आएगा और ये वाई हमारे पास 4 है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक हो गया। और उसके बाद थर्ड क्या है कि एक्स हमारा 15 और वाई 8 हो, ये हमारे पास एक्स 15 आ रहा है, ठीक है, और ये हमारा वाई 8 आ रहा है, ये पॉइंट आ गया हमारे पास नेक्स्ट। और थर्ड इस तरह फोर्थ हमारे पास क्या है कि ये 18 हो, ठीक है, ये 18 है और हमारे पास वो क्या है, वाई क्या है, 12, तो ये हमारे पास 4 पॉइंट। जब हमारे पास सिर्फ इस तरह पॉइंट्स भी लगाएं तो वो हमारे पास होता है स्कैटर प्लॉट, ठीक हो गया। अब आप जब इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दें स्ट्रेट लाइन से, जैसे कि हमने यहाँ किया हुआ है, तो वो हमारे पास क्या होता है, लीनियर ग्राफ बन जाता है, ठीक है। जब सिर्फ पॉइंट्स हो तो वो स्कैटर प्लॉट होता है। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, ईच बिग स्केयर ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वल टू वाई, एक स्केयर जो है ग्राफ में अगर आप देखें तो एक हमारा जो स्केयर है वो कितने यूनिट्स के इक्वल है, 5 के, ठीक है, इस तरफ
एक्स एक्सिस की तरफ, और वाई एक्सिस की तरफ जो एक यूनिट है हमारे पास वो कितने यूनिट्स के इक्वल है एक्स एक्सिस की तरफ, वाई एक्सिस की तरफ, तो वो हमारे पास है टू। ठीक है, ये टू टू का डिफरेंस आ रहा है ना, और ये फाइव फाइव का डिफरेंस आ रहा है। अच्छा जी, अब हमारे पास अगर ग्राफ इस तरह से हो कि लाइन अपर मूव कर रही है तो हमारे पास कोरिलेशन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, और अगर हमारा ग्राफ इस तरह से हो कि लाइन जो है वो इस तरह लो मूव कर रही है, ठीक है, इस तरह से ग्राफ हो कि एक बढ़ रहा है, इसमें क्या है एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, इसमें क्या है अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, ठीक है, कम हो रहा है, अगर जो एक बढ़ता जा रहा है तो दूसरा कम होता जा रहा है, तो ये हमारे पास क्या होता है नेगेटिव कोरिलेशन होता है, लोअर लाइन आ रही है। और अगर जीरो कोरिलेशन हो तो उसके लिए हमारे पास ग्राफ किस तरह से बनता है, वर्टिकल लाइन बनती है या हॉरिजेंटल लाइन बनती है जिसके अंदर कोई टिल्ट नहीं होता, या तो लाइन इस तरह से होती है वर्टिकल लाइन है इसमें कोई टिल्ट नहीं है, ठीक है, या लाइन हमारे पास सॉरी ये हॉरिजेंटल लाइन है कोई टिल्ट नहीं है, और ये हमारे पास वर्टिकल लाइन है कोई टिल्ट नहीं है। अगर ग्राफ इस तरह, इस तरह बने, अभी आप देखें कि एक्स एक्सिस पे जो वेरिएबल है वो चेंज होता जा रहा है लेकिन वाई वाले को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, मतलब कोरिलेशन नहीं है। कोरिलेशन होता है कि एक चेंज हो तो दूसरा भी होता है, इसमें नहीं हो रहा दूसरा। इसी तरह यहाँ देखें तो वाई बढ़ता जा रहा है, वाई बढ़ता जा रहा है लेकिन एक्स को कोई चेंज नहीं मिल रहा, तो इससे क्या हो रहा है कि कोई कोरिलेशन नहीं है, इसमें कोई टिल्ट नहीं है, इनके दरमियान टिल्ट है, ठीक हो गया। और जो स्लोप होती है लाइन की, जितनी ज़्यादा स्लोप बढ़ती जाती है, अब जिस तरह फॉर एग्जांपल ये है तो इसमें क्या होगा कि इस तरह स्लोप कम है, थोड़ी ज़्यादा होगी, थोड़ी ज़्यादा होगी, जितनी स्लोप जो है वो बढ़ती जाएगी उतना हमारा कोरिलेशन है वो स्ट्रांग होता जाएगा, ठीक है। और मैक्सिमम स्लोप हमें कहाँ मिलती है, 45 डिग्री एंगल पर मैक्सिमम कोरिलेशन है, ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ठीक हो गया। मैक्सिमम स्लोप कहाँ पर होती है, 45 डिग्री के एंगल पर होती है। उसके बाद जो परफेक्ट पॉजिटिव और परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होता है वो माइनस वन और उस पर होता है। हमने डिस्कस किया कि कोरिलेशन की रेंज क्या है, माइनस वन से लेकर पॉजिटिव वन तक होती है, ठीक है, और सेंटर में क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो जो वैल्यूज़ यहाँ पर होंगी उनके अंदर स्ट्रॉन्ग परफेक्ट कोरिलेशन होगा पॉजिटिव, ठीक है, और जो वैल्यूज़ यहाँ पर आएंगी उनका हमारे अंदर क्या होगा, उनका स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन होगा, और जो जीरो होगी इसका क्या होगा, बिल्कुल नो कोरिलेशन होगा। लेकिन जो वैल्यूज़ जीरो के नियर आएंगी, यहाँ पर आएंगी, यहाँ पर आएंगी, उनके अंदर वीक कोरिलेशन होगा, ठीक हो गया। तो ये परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है और ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। और परफेक्ट कोरिलेशन में क्या होता है कि जैसे जैसे चेंज आ रहा है इक्वल इंटरवल चेंज आ रहा है, एक्स में जितना चेंज आया उतने हिसाब से चेंज हर बार y में आए, ठीक है। अगर x में हर बार एक का वन यूनिट चेंज आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल हाइट में जब भी वन यूनिट चेंज आ रहा है, वन सेंटीमीटर वन मीटर चेंज आ रहा है जब भी हाइट में, वन सेंटीमीटर जितना भी फॉर एग्जाम्पल, तो आपकी वेट में उतना ही चेंज आ रहा है 500 ग्राम। हर बार जब हाइट जो है वन सेंटीमीटर बढ़ती है तो अगर आपका वेट जो है 500 ग्राम बढ़े, अब फॉर एग्जाम्पल जब 10 यूनिट चेंज आया हाइट में तो इसमें भी 5000 चेंज आ रहा है ग्राम, 5 kg 5000, मतलब हर बार एक यूनिट से 500 ग्राम, दो यूनिट से कितना हो जाएगा 1000 ग्राम, ठीक है, तीन यूनिट से 1500 ग्राम, मतलब सेम चेंज आ रहा है, इक्वल इंटरवल चेंज आ रहा हो, ठीक है। अगर x में 2 यूनिट्स का चेंज आ रहा है तो y में 5 और अगर x में 3 यूनिट्स का 4 यूनिट्स का चेंज आया तो y में 10 आए, मतलब बराबर बराबर चल रहा है, ठीक है। ये नहीं है कि अगर इधर 1 है तो इधर भी 1 हो, इधर 2 है तो इधर भी 2 हो, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा है कि इसमें जितना एक दफ़ा इसके चेंज होने से इधर चेंज आ रहा है हर बार उतना ही आया। अगर इसमें एक दफ़ा 10 चेंज आया है और इसमें 20 आया है, ठीक है, तो अब जब इसमें 10 दोबारा चेंज आएगा तो इसमें फिर 20 चेंज आना चाहिए। अगर इसमें अब 20 चेंज आएगा तो इधर 40 चेंज आना चाहिए, मतलब एक बार जो डिसाइड हो गया अब वही चलना चाहिए, तो हम कहेंगे कि इक्वल इंटरवल चल रहा है, ठीक है। जब इक्वल इंटरवल होता है तब हमारे पास परफेक्ट कोरिलेशन होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक हो गया। ये थी हमारे पास कोरिलेशन। इसके आगे दो टाइप्स होती हैं, पियर्सन और स्पीयरमैन, इंशाल्लाह उनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। दैट इज ऑल अबाउट इट, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।